उधर कुशीनगर में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेता पर लाश पर राजनीति करते दिखे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे राज्य मंत्री और विधायक, लेकिन एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान गाली गलौज भी करने लगे दोनों विधायक। बीजेपी नेता और हाटा नगर पालिका चेयरमैन मोहन वर्मा ने पूर्व राज्य मंत्री को धक्का भी दे दिया। मारपीट की नौबत तक आ गई। उन्होंने ये उलझ गए कि भाई आप क्यों 4 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया का है। आलर तो नहीं पकड़े लेकिन हाथ ऐसी किए, लेकिन अब वहीं पे लोग छुड़ाने कोतवाल साथ छुड़ाने बढ़ाने लगे हैं। कहा कि यही हुआ है, अपने लोगों के साथ आए और हमारे एक कार्यकर्ता से कहे कि हर जगह नेतागिरी में कूद जाते हैं, इनको पता नहीं कि भाजपा की सरकार है। राज्य मंत्री लाठी डंडा निकालने लगे, असलाहा निकालने लगे, बंदूक निकालो गोली मार देंगे, तो समझ बात हमको आई नहीं। पब्लिक जनता पर आपत्ति आई थी, प्राकृतिक आपदा थी, इसमें तो सभी दल को मिल करके अगर आदमी सहयोग करता जनता को दुख सुबारता। कुशीनगर की एक खबर है जहां पर विपक्षी दल सत्ताधारी नेता आपस में भिड़ते दिखे हैं। ये वो तस्वीर थी, एक दूसरे को धक्का मारते दिखे हैं और यहां तक भी ठीक था, लेकिन गाली गलौज पर भी उतर आ। बीजेपी नेता ने पूर्व राज्य मंत्री को धक्का मार दिया और इसके बाद नारेबाजी इस तरीके की नजर आई। हालांकि मामला बढ़ता देख पुलिस ने किसी तरह से दोनों पक्षों को समझाया है। दरअसल ये अहम की लड़ाई थी, सांत्वना देने पहुंचे थे दोनों दलों के नेता पीड़ित परिवार को, लेकिन वहीं जाकर के गाली गलौज करने लगे। ये सियासत का एक रूप है जो कुशीनगर में देखने को मिला है। कुर्सी की जल्दी है, कहां है, किस वक्त है, नेताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता है। सफेद कुर्ते पैजामे में पहुंचते हैं, लेकिन यहां तो वक्त की नजाकत को भांपने के बजाय एक दूसरे को गाली देते नजर आए।